हेलो स्टूडेंट, निमसेट 2019 का रिजल्ट आ गया जिसका आपको इंतजार था, और सबसे खुशी की बात यह कि इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। अभी मैं आपको कुछ बच्चों से मिलवाऊंगा, अभी सारे बच्चों से इसलिए नहीं मिलवा सकता क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट आउटसाइडर थे और वो सब अपने अपने घर गए, पर बहुत ही जल्दी वो यहाँ आएंगे और उन सबसे भी आपको मिलवाऊंगा। अच्छी अच्छी रैंक्स में बच्चे हैं, इस बार ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो अच्छे कॉलेज में ना जाए। और सबसे खास बात यह है पीटर्स गुरुकुल की, वो पहचाना जाता है अच्छा पढ़ाने के लिए, बेस फाउंडेशन के लिए, और उसका फायदा मिला। इस बार पेपर अनएक्सपेक्टेड था, उसके बाद भी जितने बच्चे यहाँ पर लास्ट टाइम तक थे गुरुकुल में, उन्होंने टॉप रिजल्ट दिया। कुछ एक बच्चे ऐसे थे जिन्होंने प्रेशर के वजह से रिजल्ट बिगाड़ा, अदरवाइज हर एक बच्चे का रिजल्ट अच्छा, और वही चीज ऑनलाइन में भी हुई। तो मैं आपको सभी से, अभी इन बच्चों से मिलवा रहा हूँ पर आने वाले दिनों में उन सभी बच्चों से मिलवाऊंगा जिन्होंने ऑनलाइन में परफॉर्म किया है, जिन्होंने क्लासरूम कोर्स में परफॉर्म किया है। और ये बच्चे आपके साथ जब अपने रियल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस ढंग से आगे चल के पढ़ाई करनी है। और एक और बात मैं बताऊंगा, आज मैंने सबसे ज्यादा फोन अटेंड किए सुबह से लेके अभी तक, और हर एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं इंपीटस गुरुकुल के या तो ऑनलाइन कोर्स से जुड़ा था या क्लासरूम कोर्स से जुड़ा था। कई सारे ऐसे बच्चों ने भी मुझे थैंक्स के लिए फोन किया और मैसेज किया कि सर हम पढ़ते डिफरेंट कोचिंग में है पर हम लोग रात को आप ही के वीडियो देखते थे और उन वीडियो से हमको बहुत बेनिफिट हुआ, इसलिए हम थैंक यू कहना चाहते हैं। मैं आप सभी बच्चों को ढेर सारी बधाइयां देना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप लोग काउंसलिंग राउंड के लिए अपेयर हो। अभी इस सेशन के बाद, इन बच्चों के बाद मैं एक सेशन वो भी लूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस रैंक पे कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे इंप्रेस यूनिवर्सिटी या कानपुर की SBTI यूनिवर्सिटी, ये इन सब के लिए मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, पर वो सेशन अगला सेशन होगा। तो अभी इन बच्चों के रियल एक्सपीरियंस सुनिए और जानिए कि कैसे इन्होंने एक साल मेहनत की, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दो साल मेहनत की और एक अच्छा रिजल्ट दिया। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप स्टार्ट करो। हेलो, माय नेम इज पंकज मारन, आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 41 इन जनरल कैटेगरी, आई एम फ्रॉम भोपाल। इधर इंपेटस से मैं जनवरी से जुड़ा हूँ, जब से मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है निमसेट की। निमसेट 2 घंटे का होता है तो उसमें टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैंने जनवरी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन की जहाँ पे सर ने ओरिजिनल पेपर 2007 से लेकर 2018 तक के पेपर हमको दिए। उससे एक ही बात सीखी मैंने, आप जब मैं जनवरी में जुड़ा था तो मैंने पूरा कोर्स तो नहीं पढ़ा था पर आधे कोर्स में भी मेरे 400 समथिंग मार्क्स आ रहे थे, मतलब जितना आता है उतना अटेंड करो तो भी अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। और यही काम मेरे को जब नया पेपर आया 2019 का तो भी मेरे को ये यूज़फुल में रहा, क्योंकि पूरा पेपर तो आता नहीं था ना बनता था, तो इसलिए मेरे को जितना आता था उतना ही अटेंड करा मैंने, तुक्के नहीं लगाए, जितना आता था सिंपली उतना अटेंड करके मैंने पेपर को छोड़ दिया। और ये जब टेस्ट सीरीज से जब जुड़ा मैं, तो जब जो जो गलतियां होती थी टेस्ट सीरीज में, मार्क्स कम आए 400, मैंने टेस्ट सीरीज जब पहले टेस्ट दिया था तो मेरे 270 या 290 मार्क्स आए, वहाँ से 600 तक मेरा रीच हुआ, 600-650 तक रीच हुआ। तो सारी गलतियों को जब जैसे जैसे रिकवर करते गया, कोर्स जैसे जैसे कवर करते गया, तो उससे मेरे मार्क्स एड ऑन होते गए और अभी ये पूरी टेस्ट सीरीज को मिला के मेरे को बहुत अच्छा इसका आउटपुट मिला। और थैंक्स टू शरद सर जिन्होंने ऑनलाइन सेशन डाले, मैं सारे ऑनलाइन सेशन इनके घर पे बैठ के देखता था, सारे पेपर्स डिस्कस करे इन्होंने वो भी मैं देखता था, प्रतीक सर ने सारे जो निमसेट के प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर पेपर्स थे वो मैंने देखे हैं सारे सॉल्यूशन उसके, और अपनी खुद की बुक्स थी और खुद से ही पढ़ाई की मैंने, ज़्यादातर घर पे बैठ के ही पढ़ाई की, मेरा डिस्टेंस थोड़ा दूर था घर से, अप डाउन डेली कर नहीं पाता था। तो ओवरऑल थैंक्स टू शरद सर एंड थैंक्स टू इंपेटस एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ द अदर सर, थैंक यू। जो पंकज, एक मिनट रुको, मैं आपके बारे में कुछ और चीज़ बता दूँ। जैसे पंकज ने जनवरी ज्वाइन किया था पर इसने एक चीज़ थी, पूरे टेस्ट पेपर्स रेगुलर दिए, प्रॉपरली स्टडी की, और सबसे खास बात है कि इस बार जो मैंने जो नोटिस किया, हर एक बच्चा जिसने पेपर में देख के प्रेशर नहीं लिया उसने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, तो कोई डाउट नहीं है। अब जैसे इस बच्चे की 41 रैंक है, ऐसे एक बच्चा ऑनलाइन वाला है प्रियंक जिसका नाम है, जिसका ऑल इंडिया 32 रैंक है, मैं ऐसे सारे बच्चों से आपको मिलवाना चाहूंगा और धीरे धीरे करके आप मिलते जाएंगे इन बच्चों से, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप चाहें तो क्लासरूम में रह के पढ़ाई कर सकते हो, चाहो तो घर पर रह के पढ़ सकते हो, पर बस एक ही चीज़ याद रखनी कि पढ़ाई करनी पड़ेगी और ऑनेस्टली पढ़ाई करनी पड़ेगी, और इस बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। हेलो, मेरा नाम ज्योति अनुरागी है और मैं यहीं भोपाल से ही हूँ, और मुझे सबसे पहले सर को थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि सर ने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, नहीं तो मैं हर बात पे टेंशन लिया करती थी। ऐसे ही प्रतीक सर और शिवम सर ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। सबसे पहले ये कि मुझे निमसेट का कुछ पता भी नहीं था,
मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद मुझे एमसीए करना था, लेकिन अब कुछ आइडिया ही नहीं था कि किस कॉलेज से अच्छा कॉलेज से करना है या नहीं। और मेरा मतलब ड्रीम भी यही था कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन थी लाइफ में कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, तो मैंने अपना वो ड्रीम छोड़ के फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना स्टार्ट किया। बट उसमें भी मैंने ये सैम इंजीनियरिंग कॉलेज है भोपाल में, तो मैंने वहाँ फीस पे कर दी थी, लेकिन अब कहते हैं कि जो होता है अच्छी के लिए होता है, तो फिर वहाँ मेरी मम्मी ने कहा कि तुम कॉलेज छोड़ दो और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, तो मैंने बस वही किया। और फिर उसके 2 साल बाद फिर मुझे मेरे भाई ने कहा कि कब तक तुम ऐसी गवर्नमेंट जॉब का करती रहोगी, कभी होता कभी नहीं होता है, तो कुछ अलग करो, या MBA करो या MCA करो। तो मैं अपने भाई को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उसने ही कहा था कि मुझे BCA करूँ, और आज उसी ने कहा कि मैं MCA करूँ, तो उसी के वजह से आज मैं जो भी हूँ यहीं पर ही हूँ। बाकी मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। बस जब से फिर घर वालों के सपोर्ट से मैं यहाँ तक आई हूँ, फिर मुझे सर के बारे में पता चला कि इम्पीटस यहाँ कोचिंग है भोपाल में, नहीं तो मैं भोपाल से जा ही रही थी, फिर अचानक से सर का पता चला, फिर यहाँ आके मैंने अच्छे से पूरी प्रिपरेशन की, बिल्कुल मन से दिल से अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया, सब कुछ किया, जैसा सर ने मुझे पढ़ाया, जैसा प्रतीक सर ने पढ़ाया, मैंने सब कुछ वैसे ही पढ़ा, और बस मैं आज यहाँ पर आई हूँ। इसलिए मैं सरद सर को बहुत थैंक यू बोलती सर कि आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले तो मेरा निमसेट 2019 में 175 ऑल इंडिया रैंक है, और मैं अपने सक्सेस का क्रेडिट सरद सर, प्रतीक सर और मेरे मम्मी पापा को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और बेसिकली मैं यही चीज़ बताना चाहूँगा कि जो निमसेट 2019 का पेपर था, वो एक्चुअल में अगर जिसने हैंडल किया है, अच्छे से हैंडल किया है पेपर पूरे 2 घंटे में, बस वही पेपर को निकाल पाया। क्योंकि अपन ये हर बार सोचते हैं कि पेपर होता है, कोई भी पेपर होता है, उसमें बस नॉलेज ही देखते हैं, नहीं, आपकी एक्यूरेसी और आपका सिटिंग लेवल, जो भी सारी चीज़ें देखते हैं कि मतलब आप बैठ पाते हो क्या 2 घंटे, कैसे पेपर को हैंडल करना है, सारी चीज़ें देखी जाती है। और मैं सरद सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, और ये भी बोलना चाहूँगा कि जब एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले ही मेरा पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था, तो मैं सरद सर के पास गया था, और सरद सर ने मेरे को बताया कि एक लाइफ की जर्नी जो 45 या फिर कितने भी किलोमीटर की आप मान ले, तो उसमें आप एकदम एंड तक पहुंच जाते हो, फिर रेस ख़त्म कर देते हो तो आप विजेता कभी नहीं होते, ना ही आपकी वो रेस जहां पे आपने एंड करी है वो काउंट होती है। तो विजेता वही होता है जो लास्ट तक रहता है, लास्ट तक उस रेस में फाइट करता है। तो वही सरद सर को इसी कारण मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, एंड सर थैंक यू सर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, ये बच्चा लास्ट के 4-5 डेज में काफी डिप्रेस था। देखिए इम्पीटस की एक फिलोसफी है, हम लोग पढ़ाने पे करते हैं, बहुत पढ़ाते हैं, बच्चे बहुत मेहनत भी करते हैं, और मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, पिछले कई सालों से देखा, बच्चा आखिरी ऑलमोस्ट वो सभी बच्चे अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि वो एक अच्छी मेहनत करने की आदत डालते हैं, और यही इस साल हुआ, और आपने भी देखा अपने आप में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम मेहनत प्रॉपर तरीके से करें, कहीं पे मन को डाइवर्ट ना करें, क्योंकि एग्जामिनेशन प्रेशर जो होता है वो कई बार हम बच्चे को हैंडल नहीं कर पाते, इस बार बस वही हुआ है। अदरवाइज तो हर बच्चा जिसने मेहनत की उसका रिजल्ट अच्छा हो सकता था, बस कुछ बच्चों को ऐसा लगा पेपर देखिए कि इतना टफ है, इतने कम टाइम में नहीं हो सकते, और उन्होंने ऐसी कर दी, ये एक रीजन हो सकता है अगर किसी की रैंक अच्छी नहीं। अदरवाइज मैं ये बोल सकता था ये इतना अच्छा पेपर था, बिल्कुल ऐसा पेपर था कि जिसने पढ़ाई करी उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं थे, प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड नहीं थे, यानी हर पढ़ने वाले बच्चे का ये सिलेक्शन इस वाले पेपर में हो सकता था। और बिल्कुल उम्मीद भी करता हूँ कि अगर आगे भी ऐसे पेपर आते रहे, तो MCA और NIMCET में एक अच्छा क्राउड जाएगा जो आने वाले समय में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। थैंक। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल घोष, तो मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ एक्चुअली। तो वहाँ से मतलब बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं मतलब NIMCET के बारे में पता होते हैं कि, तो मैं जब BCA कर रहा था तो 5th सेम
पार हो चुका था, तो सिक्स सेम के फर्स्ट स्टार्टिंग में मेरे को पता चला, तो मैं गूगल पे टाइप करता था, यूट्यूब पे टाइप करता था। गूगल पे तो मेरे को मिलता था कुछ कोचिंग का नाम, तो उस समय मतलब कुछ पता नहीं था मतलब क्या करना था, तो मैं यूट्यूब में सर्च करता था, तब शरद सर का वीडियो आता था, तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था लेकिन मतलब क्लियर नहीं हो पाया था। तो फिर मैंने सोचा कि भोपाल ज्वाइन करूँ, तो भोपाल ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आया। तो मैथ्स में कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब मैं पूरा सकता था, ऐसे मैथ्स बैकग्राउंड था मेरा लेकिन उतना नहीं पता था कि, तो यहाँ पे आने के बाद बेस क्लास ज्वाइन किया जो प्रतीक सर करवाते थे हम लोग का, तो प्रतीक सर बहुत ही मतलब अच्छे से बेस मतलब हम लोग का बनाया। उसके बाद शरद सर एडवांस थोड़ा मतलब लेवल मतलब में पढ़ाते, तो वो अच्छा हुआ हम लोग के लिए। तो उसी के लिए सर मतलब मेरा ऑल इंडिया भी रैंक है 399 और कैटेगरी रैंक है मेरा 165। तो आशा है कि अच्छे एक NIT मिल जाता है, मिल सकता है मतलब, तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो मैं मतलब मेरा क्रेडिट सब मतलब सर सर प्रतीक सर तो वही है, तो थैंक यू। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आप आसाम से, तो आपके एक आगे निकलने से क्या होता है, कई बार जब हम जिस जगह से आते हैं जहां अवेयरनेस नहीं होती है, तो एक अच्छे सिलेक्शन से आने वाले समय में अच्छी अवेयरनेस होती है। और ये जो वीडियोस का फायदा या सेशंस जब मिला, या आप बच्चों की वजह से ही मेरे सेशंस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग जब देखते हो और आप जब मोटिवेट होते हो तो मुझे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, इन बच्चों के लिए कुछ करना है। तो अब आपको अपनी सिटी के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि आपको तो आगे बढ़ना है पर उन लोगों को बढ़ाना है कि समय रहते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट करें जिससे वो एक अच्छा रिजल्ट दे पाए। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। माय नेम इज तुषार दोटे, आई हैव सिक्योर्ड 148 रैंक ऑल इंडिया रैंक एंड कैटेगरी 64 रैंक। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि इम्पेटस जब मैं ज्वाइन करा तो यहाँ का इन्वायरमेंट, मेरी हैबिट नहीं थी कि 2-3 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करने की, लेकिन फिर जब मैंने ज्वाइन करा तो यहाँ पे डिसिप्लिन काफ़ी स्ट्रिक्ट था उस टाइम और अभी भी स्ट्रिक्ट ही है। पहले सुबह 8 बजे आना रहता था हमको अंदर, और फिर उसके बाद 8 से 10 बजे तक हम लोग सेल्फ स्टडी करते थे। उसके बाद एक क्लास होती थी प्रतीक सर की, बेसिक क्लास होती थी जिसमें एक चैप्टर पढ़ाते थे प्रतीक सर, फिर वो नेक्स्ट चैप्टर शरद सर पढ़ाते थे इवनिंग में। उससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता था और सेल्फ स्टडी हमारे सेशन चलते रहते थे और बस फिर और थैंक्स टू शरद सर एंड प्रतीक सर। प्रतीक सर ने लास्ट मंथ में जो कंप्यूटर क्वेश्चंस करवाए थे उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे और उसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस थे, लेकिन हमने कुछ भी रटा नहीं, पूरे कंसेप्चुअल पढ़ाते थे तो हमने पूरा वही करा। और 2019 का जो पेपर आया था वो पूरा कंसेप्चुअल पेपर आया था, तो वो बहुत बेनिफिशियल हुआ क्योंकि कुछ भी रिपीट क्वेश्चंस नहीं आए थे या फिर बहुत कम रिपीट क्वेश्चन थे। तो हम लोगों ने नेगेटिव मार्क्स ऐसे गेन नहीं करे, नेगेटिव मतलब गैसिंग नहीं करी है, तो उसमें फिर हमारे मार्क्स थोड़े अच्छे, हमें उसका बेनिफिट मिला कि रिपीट क्वेश्चंस नहीं हुए। और फिर सर ने हमें पढ़ाया बहुत अच्छा, प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही प्यार पढ़ाया, और थैंक्स टू शरद सर एंड प्रतीक सर, थैंक्स टू इम्पेटस गुरु का। थैंक यू तुषार। अच्छा, मैं तुषार के बारे में एक बात और बोलूंगा, इसने फाइनल ईयर के साथ ही MCA का प्रिपरेशन दिया था और फाइनल के पेपर के बीच में ही MCA का पेपर था। टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है, कई बार फाइनल के पेपर जब आ जाते हैं और बीच में MCA आता है तो कई बच्चे MCA में डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको लगता है कि अभी MCA नहीं कर पाएंगे, ड्रॉप लेना पड़ेगा। पर मैंने एक ही बात बोली थी कि बिल्कुल चिंता मत करो, MCA को भी एक एज अ सब्जेक्ट मान के चलो और उसका देखिए फायदा मिला। और इसी तरह से मैं आप सबको बोलूंगा कि आप अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या जिस भी फाइनल ईयर में इमीडिएटली एक्शन लें, और अगर आप सोचते हैं कि आपको MCA करना है, अगर MCA करना है तो तुरंत एक्शन लेके पढ़ाई चालू कर दें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदर्श कुमार, मैं बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और मैं इस बार निमसेट 2019 में अपियर हुआ था, इसमें मेरा 168 रैंक आया, ऑल इंडिया 168 रैंक आया। मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूंगा कि मैं जब यहां आया था तो मैं तो बहुत लेट आया हूं, जनवरी में मैं यहां आया था। जब आया था तो मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ था, खाने वगैरह इन सभी चीज़ का प्रॉब्लम हुआ था। और साथ साथ जब मैं यहाँ आया था तो पहला दिन ही मुझे टेस्ट देने का मौका मिला था, उस दिन मैं टेस्ट दिया था, मेरी रैंक नीचे आई थी, बहुत कम आई थी। तो उस समय मुझे लग रहा था उस समय कि मैं आया हूँ क्या, मैं सही किया हूँ या गलत किया हूँ। तो बस मैं कुछ दिन रुक गया, बस रुका देखा, धीरे धीरे मेरी रैंक इम्प्रूव हो रही थी। और मैं बस एक ही बात पर, ये लास्ट में जब आते हैं, जब आपके पास समय कम होता है तो आपके पास ये प्रॉब्लम होता है कि आप कौन सा ऑप्शन क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो उस समय बस यही काम करता था, जो मैंने टेस्ट देता था उसमें जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बनता था उसकी थ्योरी देख लेता था, पढ़ लेता था, ताकि अगले बार वो मिस ना हो।
बस वही कोशिश करता था ताकि उस तरह से मैं मतलब मैं वैसे किया तो मेरा रैंक अभी फिर अच्छा आया है। और मैं बस यही बोलना चाहूँगा आगे 2020 में 2020 में जो देने वाले उन्हें बस यही सजेशन देना चाहूँगा कि आपके पास समय अभी बहुत ज़्यादा है, अभी स्टार्ट करने का बहुत अच्छा मौका। अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गारंटी है कि अच्छा रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि जब मैं ये 5-6 महीने में कर सकता हूँ तो कोई भी ऐसा कर सकता है बस। और मैं अपने माता पिता और ये सरस सर और इम्पेटस को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और देखिए जैसा आदर्श ने बताया, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जिस दिन आपको समझ जाए क्या करना, अगर उस दिन भी एक्शन ले लोगे तो आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। ये आदर्श जब जनवरी में आया था बहुत कम टाइम था, और जनवरी के बाद प्रेशर भी बहुत था, दो दो टाइम क्लास अटेंड करना रोज, क्योंकि जनवरी में टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी, रोज के टेस्ट होना, इन सब का प्रेशर था। ऐसे में कई बच्चों को लगा कि नहीं कर पाएंगे, पर मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप करोगे और आखिरी तक डटे रहोगे तो रिजल्ट आएगा, और वही हुआ। और हर एक बच्चे को मैंने बोला था आखिरी में भी कि पेपर में जो आता है वही करना, और इसने वही किया, इसका इसको डेफिनेटली फायदा मिला और एक इतनी अच्छी रैंक लाया, और अब आगे भी बढ़ना है और अपने जगह को भी आगे बढ़ाना है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। बिल्कुल बोल सकते हैं। एक बार और कहना चाहूंगा, जब मैं यहाँ टेस्ट पेपर देता था तो मैं पेपर का सिर्फ एनालिसिस ये नहीं करता था कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, साथ साथ ये भी करता था कि अगर आज मुझे पेपर हार्ड लग रहा है तो देखता था और सभी को क्या लगा, अगर उन सभी का भी वही परफॉर्मेंस होता था जो लगभग मेरा है तो मैं समझ जाता था कि पेपर हार्ड है। ऐसा अगली बार जब पेपर आता था उस समय मैं ये सोचता था कि मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा हो और वो अटैम्प्ट कम हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा हो। और वही इस बार भी फायदा मेरा यही हुआ, जब मैं एग्जाम में बैठा था तो अगले 15-20 मिनट में मेरे से 2-3 क्वेश्चन ही बना था, तो मुझे समझ में आ गया कि पेपर हार्ड है ये, तो मैं बस एक्यूरेसी पर ध्यान दिया और बस वही रिजल्ट मेरा दिया है। थैंक यू। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव है और मैं यूपी से हूँ। मैंने सेकेंड ईयर में कोचिंग ज्वाइन करी थी इम्पेटस की, और शरद सर को मैं पहले से जानता था क्योंकि मेरी दी ने भी यहीं से एमसीए की तैयारी करी थी, तो मैं शरद सर को जानता था पहले से, और मैं सेकेंड ईयर से कोचिंग ज्वाइन करा था, और मेरा अभी ये थर्ड ईयर मतलब बीसीए भी अपेयरिंग है, तो वो भी साथ में चल रहा था। शरद सर ने जैसे कहा था कि एमसीए को एक सब्जेक्ट की तरह लेके पढ़ो, तो मैंने उसको एक एज अ सब्जेक्ट लेके पढ़ा, साथ में एमसीए की भी तैयारी करी और बीसीए का एग्ज़ाम भी दिया, और मेरी ऑल इंडिया 244th रैंक आई है, मगर दोनों सेटल हो गया क्योंकि एक तरह से मैंने एक ही टाइम पे दोनों कर लिया, और जैसे शरद सर ने बोला था वैसे टाइम मैनेजमेंट कर लिया। सवेरे आना होता था, शुरू में आदत नहीं होती थी पढ़ने की, क्योंकि लगभग 7-8 घंटा पढ़ना शुरू में आदत नहीं थी, मगर फिर कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते दो हफ्ते बाद बैठने के बाद आदत हो गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। और जैसा प्रतीक सर बोलते थे हमेशा कि जब संडे टेस्ट देते हो तो उसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रतीक भैया अपने टाइम पे बताते थे कि जब वो पढ़ते थे तो वो 2-3 घंटा बैठ के एनालिसिस करते थे अपने पेपर का, तो शुरू में तो मैं नहीं करता था, मगर फिर उनके बोलने के बाद नवंबर दिसंबर में मैंने शुरू करा धीरे धीरे वो करना, और मेरे को रियलाइज हुआ कि जो क्वेश्चन आते हैं सारे पेपर में उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर तुम अभी एक बार अपना एनालिसिस सही से कर लोगे तो आगे क्वेश्चन मतलब आगे में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो मैंने सारे क्वेश्चन का फिर वैसे एनालिसिस करना शुरू करा और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुई, और दैट्स इट। और जितना भी मेरा जो भी क्रेडिट है वो शरद सर, प्रतीक सर, इम्पेटस और मम्मी पापा को है। थैंक यू। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शरद यादव है, मैं यूपी के आजमगढ़ ज़िले से बिलोंग करता हूँ। चूँकि मैंने एक साल पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और उसमें क्या है कि मैं 4th सेमेस्टर का अपना एग्ज़ाम दे रहा था बीसीए का, उसी टाइम मुझे पता चला कि भाई निमसेट का भी एग्ज़ाम कोई होता है तो जो एमसीए कंडक्ट कराता है, तो उसके लिए मैंने शरद सर से बात करा, वीडियो देखता था तो शरद सर से बात करा, तो शरद सर बोले कि अगर तुमको पता चल गया तुमको लगता है तो तुमको आ जाओ तुरंत, अभी तुमको रुकना नहीं चाहिए, एक ही साल बचा है, बढ़िया तैयारी करो निकल जाएगा दोनों। तो मैं बोला ठीक है सर, तो फिर मैं आ गया, और हालांकि मुझे 1-2 हफ्ते परेशानी हुई क्योंकि इंग्लिश से और मैथ्स दोनों से कनेक्शन थोड़ा दूर हो गया था मेरा, तो उस टाइम अपने आप को मैनेज कर पाना बहुत बहुत मुश्किल होता था, लेकिन शरद सर जो है कि एकदम पेरेंट्स की तरफ से समझाते थे कि क्या करना है कैसे करना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शरद सर को बोलना चाहूँगा मैं। और फिर मैंने क्या है कि ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, धीरे धीरे क्या है कि रैंक जो है कितना अच्छी नहीं आती थी, लेकिन फिर इम्प्रूव होते गया, और प्रतीक सर जो है कि वो मैथ्स की क्लास, चूँकि मेरा मैथ एकदम वीक था तो प्रतीक सर एक बेसिक क्लास लेते थे, उसमें क्या है कि पूरा मैथ्स जो है कि पूरा बेसिक्स पढ़ाते थे, तो जो भी होता था सब उसमें क्लियर हो जाता था, और जो नहीं आता था वो प्रतीक सर से डायरेक्टली जाके डिस्कस कर सकते थे, तो मैं प्रतीक सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इसके लिए। और मेरी ऑल इंडिया रैंक 396 आई है और कैटेगरी 164 आई है।
थैंक यू सो मच। थैंक यू शरद एंड ऑल द बेस्ट। मैं इसके बारे में एक और बात बताऊंगा कि इस बच्चे ने, ये बच्चा नहीं कई बच्चे ऐसे होते हैं जब बाहर से, क्योंकि हमारे इम्पीटस गुरुकुल में एक सबसे खास बात है, इंडिया के हर एक जगह के, हर एक कोने कोने के बच्चे आए इस बार। और मैंने एक चीज देखी, कुछ बच्चे सर्वाइव कर गए, कुछ सर्वाइव कर, कुछ को खाने की प्रॉब्लम हुई, कुछ को रहने की, ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। पर मैं एक ही बात बोलता हूँ, ये प्रॉब्लम तो कल होगी जब आप NIT में सिलेक्ट होकर तब भी जाना है। तो अगर आप इस चीज को आज एडजस्ट नहीं कर सकते या आज मैनेज नहीं कर सकते, बच्चे को स्टार्टिंग 15-20 दिन काफी दिक्कत हुई, पर धीरे धीरे फ्लो में आया और एक अच्छा रैंक, जबकि इसका मैथ्स इंग्लिश दोनों में बहुत प्रॉब्लम थी। मैं हमेशा बच्चों से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जो बच्चे मुझसे आके पर्टिकुलर डिस्कस करते हैं कि नहीं सर हमको प्रॉब्लम है, तो मैं उनकी प्रॉब्लम हमेशा सोल्यूशन देता हूँ। आगे भी मैं बोलूंगा कि अभी भी बहुत मेहनत स्टार्ट है, अब एक्चुअल आपकी जर्नी चालू होगी लाइफ की, तो उसको फेस करना है और बहुत आगे बढ़ना है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। अब मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, यहाँ पर मैं आपको अभी कुछ बच्चों से मिलवाया, क्योंकि सारे बच्चे अभी है नहीं, पर मैं आपको बहुत ही जल्दी ऑनलाइन स्टूडेंट से भी और क्लासरूम स्टूडेंट से भी मिलवाने वाला हूँ, क्योंकि हर जगह के बच्चे आए हुए थे और बहुत ही जल्दी जब काउंसलिंग का टाइम आएगा तो वो भोपाल आएंगे, तो मैं आपके साथ उनके भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और इतना ही बोलूंगा कि अगर आप चाहते हो कि लाइफ में कुछ अच्छा करना, तो नंबर वन डिसीजन लेना है कि क्या करना है। डिसीजन लेना ही काफी नहीं होता, डिसीजन लेने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है एक्शन की। एक एक्शन लेना है और एक्शन लेने के बाद फिर मुड़के देखना है, और फिर पूरे साल, एक साल, दो साल, तीन साल, जितना भी समय, उसके लिए मेहनत करना है। हो सकता है इस बार कुछ बच्चों की रैंक अच्छी ना आई हो, मैं उनको भी बोलूंगा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो, फोकस होके फिर सोचे आगे क्या करना है और उसके हिसाब से प्लान करें। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे बात करें, प्रतीक सर से बात करें। मैं चाहूंगा प्रतीक सर भी कुछ बताएं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत इसका शेयर जैसे बच्चे मुझे दे रहे। मैं बोलूंगा कि मैं अकेला नहीं हूं इसमें, बच्चों की मेहनत भी है, प्रतीक सर की मेहनत भी है, हम सबकी मिली हुई मेहनत है। क्योंकि कोई भी रिजल्ट केवल एक सिंगल उससे नहीं आता, एफर्ट से, वो कई सारे लोगों के एफर्ट से आता है। तो बच्चे जो यहाँ पर जिन्होंने रिजल्ट दिए, जिनके आपने एक्सपीरियंस सुने, इन्होंने एक्चुअल में मेहनत की और इनको एक मेहनत की आदत हो गई। और मैं हमेशा बोलता हूँ इम्पीटस गुरुकुल इस बात के लिए भी जाना जाता है कि यहाँ पर आने के बाद बच्चे को एक आदत आ जाती है कि मेहनत करना, और फिर उनको कभी डर नहीं लगता कि जीवन में क्या करना है, कैसे हासिल करना है। तो प्रत्येक सर मैं चाहूंगा कि आप भी अपने कुछ एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि आपने भी बच्चों को बहुत ग्राउंड लेवल पे पढ़ाया। जैसे कि मैं भी एक इम्पीटस का प्रोडक्ट ही हूँ। क्यों इम्पीटस का प्रोडक्ट हूँ? क्योंकि मैंने भी यहीं से ही MCA की तैयारी करी थी, और सौरभ सर, शरद सर ही मेरे एक तरीके से गाइडर हैं, जिन्होंने मेंटर हैं, जिन्होंने मुझे इतनी इस मुकाम तक पहुंचाया। और मैं, क्योंकि मैं खुद ही बहुत वीक स्टूडेंट रहा हूं, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में। 8, 9, 10 तक तो मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, बन जाता था, लेकिन 11, 12 में बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आता था। प्रॉब्लम कई सारी थी, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना, वहाँ पे टीचर्स नहीं आना, और फीस वगैरह पे नहीं कर पाते थे, तो कोचिंग वगैरह भी नहीं कर पाया था मैं, तो इस कारण से मेरा थोड़ा सा मैथ्स वीक रह गया था। हाँ, लेकिन पढ़ने में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा था, और जब मैं यहाँ पर आया तो फिर मुझे धीरे धीरे एक एक चीज़ समझ में आने लगी। स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरा डिसीजन सही है कि नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर दिया था, और मेरे साथ में कोई भी ऐसा नहीं था जो फर्स्ट ईयर में होगा। मैं आई थिंक फर्स्ट ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया था कोचिंग करना, बाकी सब फाइनल ईयर में थे, ड्रॉपर थे। तो मेरे जो साथ वाले थे वो सब इंजीनियरिंग करने के लिए चले गए थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा डिसीजन कोई गलत तो ना हो, क्योंकि हर एक इंसान अलग डायरेक्शन में जा रहा है और मैं अकेला अलग जा रहा हूँ, तो इसका मतलब या तो मैं बहुत ज़्यादा सही हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा गलत हूँ। अब गलत और सही को आपको खुद को प्रूफ करना पड़ता है कि अगर मैंने मेहनत कर ली तो इसका मतलब मेरा डिसीजन सही था, और अगर मैंने मेहनत नहीं करी तो मेरा डिसीजन गलत था। तो एक साल तक तो मैंने मिसगाइड था कि मुझे क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है नहीं करना है, तो लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री तो पूरे साल पर पढ़ा नहीं था, मैथ्स पढ़ा था। AIEEE का फॉर्म लेने भी गया था, 400 रुपये का उसमें फॉर्म आ रहा था, फिर मैंने सोचा इससे अच्छा एक जीन्स वीन्स ले लूँगा, छोड़ो पढ़ाई तो करी नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ा नहीं है, खाली मैथ्स से कैसे सिलेक्शन होगा, तो मैंने ड्रॉप आउट किया। और उसके बाद फिर मेरा फिर फोकस हुआ कि नहीं, सेकेंड ईयर से कि नहीं मुझे MCA ही करना है। अब प्रॉब्लम मुझे समझ में आती है, क्यों? क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मुझे पता रहता है कि कहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम आती है, और उसी तरीके से मैं हैंडल करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मैथ्स में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती थी। क्योंकि अच्छा टीचर तभी बन सकते हैं जब आप बुरे स्टूडेंट हो, क्योंकि अगर आप बुरे स्टूडेंट होंगे तभी आपको पता रहेगा कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, और फिर आपको एक अच्छा टीचर मिल जाए तो आपको सोने पे सुहागा हो जाता है, जैसे कि शरद सर, सौरभ सर मुझे मिले। और मैं इसीलिए बहुत थैंक यू बोलूँगा कि शरद सर ने इतना मतलब पढ़ाया, इतना इस मुकाम तक पहुँचाया। उसके बाद मैंने जॉब भी करी 4 साल, क्योंकि मुझे जॉब का एक्सपोजर भी लेना था कि किस तरह से वर्क एक्सपीरियंस होता है, वो सारा लिया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पढ़ते पढ़ते मैं पढ़ाता भी था, तो मुझे मतलब इंटरेस्ट आ चुका था, पैशन आ चुका था टीचिंग फील्ड में,
तो मैंने सब सर से बोला कि मैं अपना फील्ड को है आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जो मेरा पैशन है उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और इसलिए यहाँ पे आके मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा, ये खाली मेरी या शरद सर की मेहनत नहीं है, उससे ज़्यादा ये तुम लोगों की मेहनत है। क्यों तुम लोगों की मेहनत है? क्योंकि तुम लोगों ने हमारी बात मानी, हम पे भरोसा किया। क्योंकि अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो तो पहले डॉक्टर के पे भरोसा करना होता है। आपको ऐसा लगता होगा कि हम डॉक्टर को से दिखा के और बाहर आते से आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे लग रहा है कि मैं ठीक होने लगा हूं, बल्कि उसने दवा भी नहीं दी अभी तो आपको। क्यों? क्योंकि आपने आपको मेंटली आपने उस पर भरोसा किया है। तो पहले अगर आपको टीचर पे पहले भरोसा करना पड़ेगा, उसकी बात आपको सुननी पड़ेगी, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने आखिरी तक सर्वाइव किया है, जिन लोगों ने आखिरी तक बातें सुनी है, उन सबके रिजल्ट नो डाउट बहुत अच्छा है। मैं उनको बहुत डांटता था और ये लोग मतलब देख के मुझसे डर जाते थे, लेकिन मुझे इसलिए मुझे अच्छा लगता था कि कम से कम इस बात से मेरी बात सुन रहे हैं। और जैसे कि शरद सर, मतलब कि एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो वो कॉम्बिनेशन हम लोग बनाने की कोशिश करते थे हमेशा। और वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, और आगे भी तुम लोग इसी तरह से करते रहो। जैसा मैंने तुम लोग को सारी चीज़ें बताई है, आगे भी अपनी मेहनत को बढ़ाते रहना है, कंटिन्यू करना है, टेक्निकल कोर्सेज पे इंप्रूवमेंट लाना है, और सब चीज़ें जो अभी तुम कर रहे हो ये भी सिर्फ शुरुआत है, अब इसको और आगे कंटिन्यू करना है, और बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स लेके वापस से इम्पेटस में आके फिर इन लोगों को मोटिवेट करने आना है। देखिए, जैसा अभी प्रतीक ने बोला, बिल्कुल सच बात यही है कि बच्चों की ही मेहनत है। हम लोग एक सपोर्ट करते हैं, हम अच्छा पढ़ा सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं, पर अगर कोई बच्चा जब तक मेहनत नहीं करेगा रिजल्ट नहीं आ सकता, जैसा प्रतीक ने बोला। और इम्पीटस गुरुकुल में एक और बात है, तो ये बच्चे जब साल भर पढ़ते हैं तो यहाँ बहुत सीनियर बच्चे भी, मतलब 10-10, 15-15 साल पुराने बच्चे भी आते हैं और इन बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उसका भी इनको फायदा मिलता है। पर अल्टीमेट जो मेहनत होती है वो बच्चों की ही होती है, और इन बच्चों ने वाकई में मेहनत की है और उसका इनको रिजल्ट मिला। अब मैं आप सबको बस एक ही मैसेज दूंगा कि अब कॉलेज में जाके और अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड है कि इम्पीटस के बच्चों का प्लेसमेंट भी 100% होता है और टॉप पैकेजेस मिलते हैं, उसको बनाए रखना है। इसलिए पहले सेमेस्टर से ही पॉइंटर पर फोकस करना है, और जो पहले सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं उसको आप पढ़ना चालू कर दो इमीडिएटली, क्योंकि वो आपको नेट पे मिल जाएंगे, और उनकी प्रिपरेशन करना चालू करो। अगर वो आपने अभी से नहीं किया तो फिर आपको बाद में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का पॉइंटर से ही आगे का पूरा रिजल्ट डिसाइड होता है। तो उस पर बहुत फोकस रखिए, और पूरे छः सेमेस्टर में आपको अपने आप अलग पहचान बने कॉलेज में, ये कोशिश होना चाहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, और बहुत ही जल्दी मैं आपको बाकी भी सारे स्टूडेंट से मिलवाता जाऊंगा, और अच्छे से आप लोग मेहनत करो। एक बार फिर सभी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इस बार निमसेट में बेस्ट परफॉर्म किया है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।